एक नंबर क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 2.2 में निम्नलिखित को सिद्ध करता है। दिया है 3 साइन इनवर्स बराबर दिया है साइन इनवर्स इंटू 3x-4 साइन क्यूब। मानना पड़ेगा, माना कि थीटा बराबर साइन एक्स चाहे माना कि x बराबर साइन थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x। अब हम लोग LHS से चलते हैं, सॉरी RHS से, RHS बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स। हम लोग x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स, यह सूत्र होता है 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इतना बराबर हम लोग कितना रखेंगे, 3 साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी साइन तीन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स पूरा कर देंगे यहाँ पे साइन तीन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर हम लोग क्या रखे हैं, साइन इनवर्स, तो हो जाएगा 3 और थीटा का मान हम लोग रख देंगे साइन इनवर्स। यहाँ पे हम लोग कितना है, यह क्या था RHS था, RHS बराबर कितना हो गया है LHS, तो लिखेंगे प्रूफ हो गया RHS बराबर हो गया LHS। नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है ऐसा, हम लोग लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इंटू 4 एक्स के पावर क्यूब माइनस 3 x लिखना पड़ेगा। माना कि x बराबर cos थीटा तथा थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x है। अब हम लोग RHS से चलेंगे, RHS cos इनवर्स 4x³-3x cos इनवर्स, देखिए x के मान हम लोग कितना माने हैं cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर कितना है 3 cos थीटा। सूत्र होता है कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स गुणे कॉस, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा, 3 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हम लोग माने हैं कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में, यहाँ पर हो गया है लिख लीजिए RHS बराबर हुआ है LHS। प्रूफ नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2/11 टेन इनवर्स 7/24 बराबर हम लोग को सिद्ध करना है टेन इनवर्स 1/2। देखिए एक सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर सूत्र होता है बराबर है, याद रखिएगा एक्स प्लस वाई बटा होता है एक माइनस एक्स इंटू वाई, ये सूत्र होता है। समझता टेन इनवर्स बराबर यह हम लोग का सूत्र होता है, याद रखिएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर सूत्र होता है टैन इनवर्स
इंटू एक्स प्लस वाई बटा एक माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पे या एक्स हो जाएगा या वाई हो जाएगा, बटा होता है एक माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए अब हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, इससे चलते हैं हम लोग एल एच एस से चल रहे हैं, एल एच एस बराबर हम लोग करना है आर एच एस। टैन इनवर्स, चलिए टैन इनवर्स बराबर हो जाएगा दोनों का लघुत्तम कट, ग्यारह और चौबीस का लघुत्तम, ग्यारह और चौबीस का लघुत्तम पूरा कर दीजिएगा, चौबीस चौबीस चार छ दो, दो सौ चौंसठ हो जाएगा। ग्यारह का पारा पढ़ेंगे तो चौबीस मन में कटेगा, चौबीस दोनों अड़तालीस हो जाएगा, प्लस चौबीस का पारा तो ग्यारह, ग्यारह सत्ताईस हो जाएगा सत्तर, बट्टा अब इसके बट्टा में है एक बट्टा एक माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा सात न के चौदह, यहाँ पर कितना हो जाएगा दो सौ चौंसठ। चलिए अब हम लोग देखते हैं, टैन इनवर्स हो जाएगा दो सौ चौंसठ बट्टा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह का पाँच, यहाँ पर हो जाएगा ग्यारह एक बार, एक सौ पच्चीस बटा हो जाएगा दो सौ चौंसठ बटा, अब यहाँ पर दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो दो सौ चौंसठ, तो दो सौ चौंसठ यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा चौदह। अब देखिए टैन इनवर्स एक सौ पच्चीस बटा हो जाएगा दो सौ चौंसठ बटा हो जाएगा, दो सौ चौंसठ में से चौदह घटाएंगे दो सौ पचास बटा हो जाएगा दो सौ चौंसठ बराबर टैन इनवर्स, कहते दो सौ चौंसठ से दो सौ चौंसठ कट जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा एक सौ पच्चीस बटा कितना हो जाएगा दो सौ पचास, इसको भी कटाइएगा तो हो जाएगा कितना टैन इनवर्स एक बटा दो। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए एल एच एस बराबर हो गया, एल एच एस बराबर हो गया कितना आर एच एस, प्रूफ हो गया। चलिए नोट कर लीजिए,